Hi, I'm Archana, Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. धन्यवाद धन्यवाद कृपया कृपया पधारें अपनी अपनी कुर्सियों पे अर्चना जी प्रणाम जोग जोग जियो बस यही आशीर्वाद ही चाहिए मैं तो ये मानता हूँ आशीर्वाद और दुआओं में बड़ा असर होता है अब देखिए हमने ये शो जो है 3 महीने के लिए शुरू किया था आज से 9 साल पहले जून महीने में आज 9 साल हो गए ये आप लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है कि हम भी ढीठ बन के लगे हुए हैं बंगले पे बंगले बन रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि लोगों की दुआओं में इनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है अगर हमारा ये शो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 50 साल तक चलता रहे मुझे फिक्र इस बात का है कि 50 साल बाद माहौल कैसा है हम इतने स्लो हो जाएंगे हमारे नेटवर्क की भी एक ही डंडी रह जाएगी वो भी हाथ में होगी मजा आएगा अर्चना जी का मेरे से भी बूढ़ी हो जाएंगी फिर ये कान वाली मशीन सेट करके पूछे क्या बोला क्या बोला क्या बोला पीछे से डायरेक्टर की आवाज आएगी अम्मा आप हंसते रहिए चुटकुला बाद में समझा देंगे हंसिए हंसिए अम्मा सुबह से 16 रोटी खा गई लाफ्टर एक नहीं दिया हंसिए ये हंसेंगी डांसर ऑडियंस में से किसी गोदी में गिर जाएगा आंटी आपका डर आंटी होगी तेरी माँ खींच जाएंगी ये भी बुढ़ापे में आके अम्मा लाफ्टर क्या लाफ्टर लाफ्टर कर रहा है लगा ले मेरा 40 साल पुराना शॉर्ट सेम ही तो दिखती हूँ मैं सुनो फिर ये आएंगी जोश में हाँ 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 प्रोडक्शन फिर घुमाएगा अम्मा आर्टिस्ट इधर है नजर भी कमजोर हो जाती है उम्र के हिसाब से फिर इतनी दूर से इनको ये तो दिखेगा नहीं कौन आया कौन आया कौन आया सैफ आया बड़ा जवान दिख रहा है अम्मा तैमूर ना खजूर नहीं चाहिए आया कौन है अम्मा तैमूर है अभी तो सेल्फी लेने के लिए पाउडर बनाती ना उस समय नेचुरली बन जाएगा हमारे दास दादा ये इतने टैलेंटेड हैं इनके हाथ तो अभी से इतने हिलते हैं 200 फोटो खींचते हैं 2 सही आती हैं 1% का रेशो है लेकिन उस वक्त फोटो बिल्कुल सही आएगी क्योंकि इनके तो हिलेंगे ही हाथ आपका भी मुंह हिल रहा होगा 40 साल बाद ये हमारा बैंड ये वाइब्रेशन मोड पे चला जाएगा दिनेश ऐसे ऐसे कर रहा होगा चाचा अभी नहीं बजानी नहीं बजा नहीं रहा है तो हिल रहा है फिर पीछे से डायरेक्टर बोलेगा पांडे को पांडे को बोलेगा ताऊ सुबह से अपना पेट पीट रहे हो ड्रम आ गया उस समय भी अगर कोई चीज नहीं बदलेगी वो होगी कि ऐसे इंसान की एंट्री जो आते ही बोलेगा आ चकास हमारे अनिल कपूर साहब ये तो ऐसे उस समय भी च्यवनप्राश को देख के बोलेंगे ये तो बुढ़ा हो गया बैंगा आज मैं जुगजुग जियो की बात कर रहा हूँ इत्तफाक देखिए सेम इसी नाम पे एक फिल्म बन गई है जुगजुग जियो और जिसकी स्टार हमारे बीच मौजूद है तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच डैशिंग वरुण धवन और साथ में ब्यूटीफुल कियारा अडवाणी वरुण जो हैं ये हमारे इस सीजन में आज आए हैं पहली बार वो भी आज सीजन का लास्ट एपिसोड है पिछली बार जब भाई आए थे उसके बाद सीधा हनीमून पे चले गए थे इतना लंबा हनीमून आज आ रहे हो सर आप भी तो गए थे मैं तो शादी के बाद सीधा फिल्म सिटी आया था मैं उस पर लॉकडाउन हुआ मैंने अपना कार्यक्रम किया 2 बच्चे हुए उसके बाद वापस से शो पे आप आज आ रहे हैं सर मुझे वक्त ही नहीं मिला है अभी कार्यक्रम करने का मतलब कार्यक्रम का मतलब जुग जुग जियो दूधो नहाओ पूतो फलो आ जाएगा वो वक्त भी आ जाएगा अभी आप फिल्मों में बहुत व्यस्त हैं कियारा अभी कुछ ही दिन पहले भूल भुलैया के लिए आई थी आज जुग जुग जियो के लिए आई हैं एक के बाद एक बहाने ढूंढ रही हैं मुझसे मिलने के लिए
कह रहे हैं, मैं एक्चुअली मैं बनी हीरोइन ताकि मैं आपके शो पे आऊँ. और मुझे नहीं पता था कि मैं आपके फिनाले एपिसोड पे आऊंगी, वो भी जुग जुग जियो के साथ. बट एक्चुअली एक रीजन है कि ये फिनाले एपिसोड पे जुग जुग जियो आ रहे, क्योंकि जुग जुग जियो जो फिल्म है, इट्स टू डू विद मैरिज. पूरा फिल्म जो है मैरिज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. और मैं एक्चुअली आपके वाइफ से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें कैसा लगता है. पूछ लो, मेरी तो हिम्मत नहीं होती. मैं आप पूछोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप है कला है कि आप शादी शुदा पर आप फ्लर्टिंग कैसे करते हो शादी के बाद. मैंने उसको ये बोला हुआ है, सब लोग मुस्कुरा रहे इधर, सारे मर्द, खाली एक, खाली वो अंकल नहीं कर रहे बीच वाले. ये जो हैट पहन के बैठे अंकल, इनके ऊपर कैमरा मारा जाए. ये हिल रहे ही नहीं है. प्रभु कैसे हैं आप? ये हमारे जो स्टार्स हैं वरुण और कियारा, इनकी फिल्म आ रही है जुग जुग जियो, तो ये शादी के ऊपर है. आपकी धर्मपत्नी है साथ में? हाँ जी. तो जब इतने साल हो जाते शादी के, आदमी चुप हो जाता है. आप उदास क्यों हैं इतने? मैडम को माइक दीजिए. सारी उम्र बोलने नहीं दिया, आज भी आप ही माइक ले लीजिए माइक. तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन आज शो देखने के लिए आया हूं. हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच. दिल्ली से आए हो आप? हाँ जी. अरे बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका दिल्ली वालों. और अंकल आपकी तबीयत क्या हुआ? मतलब कैंसर. ओह गॉड, कैंसर है. तो अंकल हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि आज आप ये शो देखेंगे और आपकी तबीयत बेटर होगी और आपको मजा आएगा और मनोरंजन होगा. गॉड ब्लेस यू. विल और प्रे फॉर हेल्दी रिकवरी. हमारी दुआएं हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे. मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि वरुण और कियारा के साथ साथ फिल्म में एक इनसे भी जवान एक कपल है. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं. प्लीज वेलकम एवरग्रीन सुपरस्टार्स मिस्टर अनिल कपूर एंड नीतू कपूर जी. वो हो, जोर तालियां हो जाए अनिल सर और नीतू जी के लिए. वाह, अनिल सर, नीतू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. अच्छा हुआ आप अनिल सर के साथ आई. क्यों आज आपके साथ आए तो नाचते हुए एंट्री ले रहे हैं. पिछली बार सतीश कौशिक साहब के साथ आए थे, उखड़े उखड़े आ गए, जल्दी करो निकलना है मेरे को, अगला शूट है. ओ कपूर साहब, प्रभु एक बात बताइए, ये कपूर लोगों के पास ऐसी कौन सा च्यवनप्राश है? आप हर साल 2 साल छोटे हो जाते हो आप. मतलब जब भी देखो आप. कोई है ऐसा अलग से च्यवनप्राश? कोई है ऐसा च्यवनप्राश? ये आदमी ही च्यवनप्राश है मुझे लगता है कभी कभी. तुम दोनों भी इन्हीं को चाट के आए हो मुझे लगता है. सबसे पहले तो नीतू जी को बहुत बहुत बधाई, सास बन गई है, बेटे की शादी होगी, बहुत बहुत मुबारक. क्या टाइमिंग है, क्या मैंने टाइमिंग देखो. आप अभी अभी बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो उसी नाम से फिल्म भी निकाल दी. तो अर्चना जी बोल रही थी नीतू अकेली आ गई, मिठाई आई नहीं. अरे और एक बात और बोल रही थी बेचारी अर्चना जी, ये बड़ी प्यार करती हैं आपसे, बोलती मैं ना शादी पे जाने वाली थी पर जैसे निकलने लगी एकदम से याद आया आपने बुलाया ही नहीं. कितनी बेइज्जती करेगा मेरे मेहमानों के साथ. हमने फिल्मों में देखा ना अर्चना जी, जब बहू घर में आती है तो सास अपनी साड़ी में से चाबियों का गुच्छा निकाल के देती है, बोलती आज से घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी. आपने आलिया को चाबी दी कि उसके पास पहले से डुप्लीकेट चाबियां थी? बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए. अब वक्त है इस फिल्म से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को यहां पे आमंत्रित करने का. प्लीज वेलकम मिस्टर मनीष पॉल एंड प्राजक्ता कोली. थैंक यू सो मच. ये जो फिल्म है फैमिली रियूनियन के बारे में जी, और एक तरीके से एक और रियूनियन हो रही है यहाँ पे कपिल और मनीष की. जो यार मतलब आज आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. व्हाट इज द कनेक्शन? अरे इन्होंने कॉमेडी सर्कस साथ में की थी. कॉमेडी सर्कस, फिर बहुत सारे शोज हमने साथ में किए, सोनी पे किया, हमने होस्टिंग करी एक साथ. और आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कि मैं कपिल तेरे शो में आ रहा हूँ यार. पर ये कितने गर्व की बात है, मैं और मनीष टीवी पे साथ में काम करते थे, आज मनीष इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है, तुम्हें प्राउड तो फील होता होगा मुझे आज यहाँ देख के. मेरा भाई आई लव यू. मनीष
मनीष और प्राजक्ता ने टीवी पे बहुत काम किया है, वेब पे बहुत काम किया है और आज ये धर्मा प्रोडक्शन की इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं, कैसा लग रहा है प्राजक्ता आप दोनों को? धर्मा से शर्मा तक का आपका सफर पूरा हुआ, इसके बाद और कुछ नहीं है, सिर्फ मोक्ष है। क्योंकि सो मेरा ना यहाँ पे आना, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि यहाँ आने वाली हूँ या नहीं, बिकॉज आई हैड टू लीव फॉर समवेयर। अरे कुछ नहीं कहती मैं, ऐसे लगता है। तो नहीं, क्योंकि मेरा कहीं और जाना आ रहा था, मेरा वीजा नहीं आ रहा था टाइम से। वीजा तो बड़े लोगों का नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या, कुछ लोग ना यूएस कैनेडा जा रहे हैं, कुछ लोग मडलैंड नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग मडलैंड जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ, तो मेरा वीजा नहीं आ रहा था, आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई लास्ट वीक, तो मैंने कहा यार ये वाली शूट मेरी मिस हो जाएगी, तो मेरे मम्मा बाबा और विशांग हु इज माय बॉयफ्रेंड आए हुए हैं, तो मैंने उनको बोला। आपके मम्मा पापा हैं और वो साथ में कौन है? विशांग मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है, अच्छा। मम्मा पापा बड़े आपके, छोटे छोटे रखे आपने? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और मैं वो शो पे जा नहीं पाऊंगी। मम्मा कह रही अच्छा कोई बात नहीं, हमारी टिकट ले आना प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, आपका भी बॉयफ्रेंड साहब। प्राजक्ता का ये कहना है कि यहाँ पे भी काम करने जाती हैं, ये सबसे यंग निकलती हैं, बहुत छोटी उम्र है इनकी, लेकिन पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ, आपसे भी छोटे लोग हैं फिल्म में। ये बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली मेरे पास भी जब ये फिल्म का ऑफर आया था, मेरे को उन्होंने बताया कास्टिंग के बारे में, पहले उन्होंने नीतू जी कही तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, फिर उन्होंने कहा वरुण है, कियारा है, प्राजक्ता है, जैसे उन्होंने कहा फिल्म में अनिल कपूर, मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ। तो मैंने फिल्म हमेशा जब कोई फैमिली ड्रामा आता है, खास तौर पे उसमें ह्यूमर भी हो, साथ में अच्छा मैसेज भी हो, सबको पसंद आता है। और इस फिल्म का प्रमोशन भी जो पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है, ये फिल्म प्रमोशन के लिए अपनी अपनी शादी की रियल फोटो डाल रहे हैं। मैं पहले तो आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रहा है यहाँ पे। ये नीतू मैम ने अपनी शादी की फोटो डाली, ब्यूटीफुल पिक्चर मैम। और दिखाइए, अनिल सर ने अपनी शादी, वाओ। और दिखाइए, वरुण ने अपनी शादी की फोटो डाली है। और दिखाइए, मनीष ने अपनी शादी की फोटो डाली है। वाह, इतना चिकना पता नहीं चल रहा बहू कौन सी है दोनों में से। बड़ी प्यारी फोटो है। और दिखाइए, सिर्फ कियारा है जिसने अपने मम्मी पापा की फोटो डाली है। तो क्यों बात है? अरे मतलब आप मुझसे बोल देती मैं नकली फोटो खिंचवा लेता। ऐसे कामों में मेरी माँ भी बड़ा सपोर्ट करती। मैं आपको दिखाता हूँ, मजाक नहीं, दिखाओ जरा। ये देखो हम कर लेते हैं। अच्छा, फिल्म के प्रमोशन में सब लोग ये कह रहे हैं कि शादी के बाद सब बदल जाता है, कियारा और प्राजक्ता को छोड़ के बाकी सबको शादी का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ क्यों ऐसा कहा जाता है? नहीं, शादी के बाद सब बदल जाता है क्योंकि बेटर हो जाता है। ये तो हो गया बीबी का डर, सच बताओ। सच ये है कि बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। घर जाना है यार, घर जाना। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर मेरे हिसाब से इस बारे में, इस विषय पर सर चर्चा हो रही है, तो मैं बस यही कह दूं कि मेरी तो लाइफ बदल गई है शादी के बाद। आई तो झूठा नहीं, बहुत अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। हाँ नहीं, अच्छी बात, अच्छे के लिए। और मेरी जिंदगी में कुत्ता भी आया है। कैसे मतलब? जोई वी अडॉप्टेड, मेरा जो कुत्ता है जोई, वी अडॉप्टेड बच्चा, वो बच्चा मेरा कुत्ता मेरा बच्चा ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बच्चे जैसा ही है। एंड आई लव हिम एंड आई लव माय वाइफ आल्सो। आई लव माय वाइफ, आई लव द डॉग। सी अभी घर जाके डंडे पड़ेंगे। नहीं नहीं, आई लव माय डॉग एंड माय वाइफ, दोनों। आदमी संभल जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसमें। आपको क्या लगता है, आप भी बदल गए हो? कपिल तू कितना बदला है शादी के बाद? तेरा क्या क्या बदला? कभी मेरी कोई खबर सुनी आज तक ट्विटर पे शादी के बाद? कोई खबरों में यही होता है बदलाव? Correct. नहीं, ट्विटर में बिल्कुल, घर में ही चुपचाप बोल बोल के घर में पिटके सो जाते हैं हम। फिल्म में वरुण का एक डायलॉग है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है घरवाली, क्योंकि उसको बार बार मनाना पड़ता है। कई लोग तो इतने बड़े दिल के होते हैं, दूसरों के फेस्टिवल भी मना के आ जाते हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहूंगा अनिल सर से, मनीष से और वरुण से कि ये जो त्योहार है घरवाली को मनाने वाला, महीने में कितनी बार मनाते हो आप एवरेज?
अनिल सर has been married the longest, ये बताएंगे. जी अनिल सर. हम सर. बीवी को कितनी बार मनाना पड़ता है सर? नहीं वो मुझे मनाती है. अरे ऑब्वियसली मनाती है. मैं असल में एक्चुअली बताऊं क्या होता है. मेरा भी क्या है, बीवी जो होती है ना, मैं आज खुले में बोलता हूँ, मैं अपनी बीवी से डरता नहीं हूँ. जब भी कोई बात होती है, एक आवाज करो, ऐसे आवाज करो, गर्म पानी लेके आती है, क्योंकि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोता ना, तो क्या. अच्छा और मैं एक बात सही बता दूं, मैं जब भी मैं नाराज हूं, भाई साहब घुटनों पे बैठ के मुझे मनाती है. मैं बेड के नीचे छुप गया होता हूं ना उसके बाद. क्यारा जी, कर लो शादी, बड़ा मजा आता है. हाँ पता चलेगा बेड के नीचे भी क्या है. यारा एंजॉय योर सिंगल लाइफ एज लॉन्ग एज यू कैन प्लीज. थैंक यू सो मच. मैं एंजॉय करूंगी अपनी सिंगल लाइफ. इतनी प्यारी है, मक्खन से बनी हुई लड़की. नीतू मैम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इनका रोल इस फिल्म में काफी सीरियस है. ऑपोजिट आपके हैं अनिल कपूर साहब, ये तो सीरियस बैठ ही नहीं सकते. बिल्कुल, ये तो आज सब बैठे हुए तो इसलिए बैठ कर खड़े रहते हैं ये. सीरियसली एक मैं घोड़े के बारे में ये बात बोलूं, घोड़े जो होते हैं सोते खड़े खड़े हैं, अनिल कपूर साहब भी खड़े खड़े. तो इनके साथ मुश्किल नहीं हुआ? तो कुछ ना कुछ शरारते करते रहते हैं अनिल सर. बहुत शरारती है. अनिल इज लाइक द नॉटीएस्ट एवर. पहली बात, हमारा जब मुहूर्त शॉट हुआ, द फर्स्ट शॉट, सो ही टोल्ड एवरीबॉडी कि मेरे आके पांव छुओ. सो मैंने बोला आई एम नॉट दी ओल्डेस्ट, यू आर एल्डर टू मी. मुझसे दो साल बड़ा है अनिल और मेरे पांव छुओ. सो आई सेड हाउ यू आर मेकिंग देम टच माय फीट. बोलते नहीं, आप स्क्रीन पे आप पहले आए थे मेरे से. सो योर स्क्रीन स्पेस मेरे से ज्यादा है. और लाइंस के बारे में ये बताया था ना आपको. Lines, just know the lines like you know your mother. I have to tell you one kiss is very funny. So now, मेरे को नहीं आदत है मॉनिटर के पीछे देखने की. अभी मैं पुराने जमाने की हूँ तो अपना डायलॉग बोला तो बैठ गई. He loves to see his monitor. मैं बैठ जाती थी. So मैं अपना नहीं देख रही हूँ शॉट. अनिल बोले come and see my shot. तो मैं जाके मैं मेरे को नहीं अच्छा ठीक है I would see the first shot. बैठ गई. See take two. जितने भी लोग है ना, हम लोग सब ने अनिल कपूर पे PhD की है. बिकॉज अनिल कपूर मतलब इज पार्ट ऑफ पॉप कल्चर मेरे हिसाब से. एक सेकंड, वन करेक्शन, इट्स नॉट अनिल कपूर, इट्स अनिल कपूर. क्योंकि हम लोग ने इतना काम किया, लॉकडाउन में काम किया, एक साल लगा है फिल्म बनाते बनाते. यहाँ पे हर एवरी पर्सन कैन डू एन इमिटेशन ऑफ अनिल कपूर. अच्छा, एवरीबॉडी सब करते हैं अपना. क्या कैसे करते हैं? वन मिनट, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन ही कम्स, फर्स्ट थिंग ही आस्क यू कैसा लग रहा हूं. कैसा लग रहा हूं? अभी अगर अच्छे नहीं भी लग रहे बोलना पड़ता है वेरी नाइस. यू आर लुकिंग, अभी कोई पूछ रहा है कैसा लग रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है यार. ओके कियारा, यू डू योर इमिटेशन फर्स्ट. तो अनिल सर इज वन मोर, हर शॉट के बाद उनको एक और शॉट चाहिए. और जब भी उनको एक और शॉट चाहिए तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है. सो ही ऑलवेज सेज एम आई राइट, वी शुड डू वन मोर, वी शुड डू वन मोर, या वी शुड डू वन मोर. प्राजक्ता, यू डू योर. प्राजक्ता, और अनिल सर ना मेरे से बातें कर रहे थे कि अच्छा तुम अभी क्या करने वाली हो, कैसे करने वाली हो. एंड देन आई वाज आंसरिंग और सर नीचे ही देख रहे थे. उसके बाद वो बोले अच्छा अच्छा वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, लवली, माइंड ब्लोइंग, लवली. आई सेड थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. व्हेन आई लुक्ड अप टू हिम ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. वो खुद तो बोल रहे थे, मेरे को तो आईना देख रहे थे. तो आईने की तरफ देख के बोले वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग. मैं कहा थैंक यू जब मैंने ऊपर जाने का. हम लोग सीन कर रहे हैं, रात के 3 बजे हुए, हम लोग रोड के डिवाइडर पे बैठे. तो लंबा सीन है, अनिल सर का एक मोनोलॉग है, लंबा मोनोलॉग है. एंड सब कुछ रिहर्सल हो गई और मैं आके डायरेक्टर के साथ बैठ गया. दूर जिब लग रहा था, दूर से अनिल सर चिल्ला रहे तो मैं और राज जो डायरेक्टर है उसका कॉफी गिर गया. मैं भी देखा क्या वो मूड चार्जअप कर रहे थे. फिर नहीं, फिर मैं आके बैठा सर के सामने, मैं आके बैठ गया. फिर उसके बाद एंड सर बहुत क्वाइट हो गए और ऐसे बैठे थे. एंड ही टोल्ड मी सी यू नो राज, आई एम जस्ट कीपिंग द हेयर फ्लैट, कीपिंग अ फ्लैट बिकॉज इट्स लाइक अ टॉम हैंक्स सीन, यू नो, जस्ट फ्लैट
I don't want any disturbance. कुछ disturbance नहीं होना, just the work. And फिर मुझे उनको कुछ धक्का देना था. फिर पूरा किया. And he said, तो राज ने बोला sir थोड़ा अच्छा ये थोड़ा Hollywood हो गया. Hollywood जब मैं Hollywood, he said थोड़ा थोड़ा sir ज़्यादा चाहिए. तो ज़्यादा क्या कुछ जाता है ना. But मुझे आज इस स्टेज पे बोलना पड़ेगा कि मैंने किसी दूसरे एक्टर के साथ इतना मजा नहीं आया. मुझे मैंने इतना सीखा नहीं है, इतना मजा नहीं आया. He is genuinely a living legend. ये आदमी अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते, बट हमें सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हमारे सामने आज अनिल कपूर बैठे हैं. And he's truly a legend of Hindi cinema. भाई ये बात तो ये बात मैं भी मानता हूँ. ये बात मैं भी मानता हूँ. You know मैं honestly बता रहा हूँ भाई, मेरी मैं तो पहली फिल्म कर रहा हूँ सर के साथ. मैंने होस्टिंग बहुत करी है सर के साथ. मुझे याद है फर्स्ट डे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैं थोड़ा नर्वस था यार. ठीक है क्या होता ना, होस्टिंग कर रहे कर लेंगे, बट सीन करना है विद अनिल कपूर सर. यू नो जोक्स अपार्ट, इतनी सारी फिल्में, इतने कैरेक्टर्स. सर वैसे मस्ती में रहते हैं लेकिन सेट पे एकदम सीरियस थे. तो वरुण और मैं ना पूरा रट्टा लगा रहे थे सर एकदम से. हाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे इतनी लाइनों में मत घुसो, मत घुसो. तो मैं ना मैंने स्क्रिप्ट नीचे कर ली. मैंने कहा होता होगा, मैंने नीचे करके खड़ा हो गया. स्क्रिप्ट ना, स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर. स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर. तुम्हें याद नहीं करना पड़ता, यू नो योर मदर. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मैंने ना स्क्रिप्ट नीचे कर ली. एक्टिंग मत करो दोनों, पढ़ो. तो मैंने वरुण और मैं ना हम दोनों लाइनें पढ़ने लग गए. हम दोनों लाइनें पढ़ रहे हैं, सर पूरी एक्टिंग कर रहे हैं. वाह मैं देख रहा नहीं उस वक्त बेस्ट था क्यू का. जब वॉइस लगता है तो एक्टर को क्यू देना पड़ता है. तो अनिल साहब ये क्यू, तू क्यू नहीं देख रहा है ठीक से. मैं क्यू देता हूँ. तो पूरा टेक मेरा पूरा क्लोजअप हुआ. तो मैं पूछने गया कि सर ठीक था. अनिल साहब पीछे क्यू कैसा था मेरा. आप देख लो ये बिना स्क्रिप्ट के सब कुछ इतना मजा आ रहा है. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कितना मजा आएगा. वाह क्या बात है. मैं ना पिछली बार भी नीतू मैम, अनिल सर जब आए ना तो मैंने अनिल सर से पूछा. मैं कहा अनिल सर आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, इतने कमाल कमाल की फिल्में आपने, कल्ट फिल्में दी, इतना क्या आपको कभी कोई मन में कसक रहती है? कहते यार एक बात की कसक रहती है. मैं क्या? कहते नीतू ने शादी के बाद फिल्में छोड़ दी, कसक रह गई मन में. मनीष आपका कियारा के साथ क्या रिश्ता है फिल्म में? यार तो मैं कियारा का भाई बना हूं फिल्म में और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है. तूने ये सवाल जान के दिल से पूछा है. स्क्रिप्ट में ये सवाल है ही नहीं, इसलिए दिल से पूछा है सवाल. He set you up for this one. मैं पहले फिल्म में उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना, पर तू भाई बन गया. मैं आज 5 नारियल फोड़ूंगा, भगवान करे सारी हीरोइनें तेरी बहन बने. बस पहली फिल्म में 4 हीरोइन जगास. उसके बाद पहली फिल्म में 4 हीरोइन, फिर चाहे नंदिता दास की फिल्म कर लो. पहली फिल्म में 4 हीरोइन, अगली फिल्म में स्कूटर चला लो. वाह तो जैसे वो आपके भाई बने हैं, आप भी इनकी बहन बार ये क्यों बोल रहा है? एक सेकेंड. ओहो तू ये भी ये तो धर्मा की फिल्म मिली है कि कर्मा का फल मिला है? वाह ये अच्छा ना.
हम पीछे आधा घंटा सो क्या गए? इन लोगों ने सेट के साथ साथ हमें भी सजा दिया। यार बोली लगाई जाए। हाँ लगा लीजिए पापा। बारी बरसी खटन गया सी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे भाले। भाले। ओ साढ़े सौ विच आए जुग जुग जियो वाले साढ़े सौ जुग जुग जियो बाबा मैं भी एक बोली लगा दूं। हाँ बेटे क्यों नहीं। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे अंगूर। एक मिनट बेटा आम का सीजन चल रहा है तो अंगूर क्यों खट के ला रहा है बेटे? आम लेकर आना। ये भी ठीक है। हाँ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे आम साढ़े घर आए नीतू जी और अनिल कपूर। अब ये तो राइम ही नहीं हुआ। अंगूर के साथ मैंने अनिल कपूर बनाया था बाबा आपने आम बीच में डाल दिया। मैं करता हूँ। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे आम साढ़े शो विच आए वरुण कियारा और धनी राम साढ़े बेटे। ए धनी राम कौन है बाबा कहाँ है? वहाँ बैठा हुआ है ना वो आम वाला हमारा। हाँ आम वाला। तभी तो मैं सबको लेकर आया। तू जो बोलेगा राइमिंग नाम का आदमी वहाँ बैठा हुआ है। क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको दीदी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका सर। अब हम चलते हैं ऐसा बोल के आप लोग चले गए। क्या बात है। जुग जुग जियो के लिए बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है बेटे। ए मेरा लल्ला रो क्यों रहा है बेटा? खुशी का मौका है बेटे रोते नहीं। अरे बाबा ये आए इस बात की तो मुझे खुशी है लेकिन हमारा तो आखिरी दिन है पापा शो आखिरी लास्ट डे शूटिंग। अरे बेटा कुछ नहीं होता बेटे कुछ ही दिन की बात है रोते नहीं फिर आ जाएंगे। कुछ ही दिन की बात है ये बाबा कम से कम तीन चार महीने लगेंगे। क्या? हाँ बाबा 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 शांत हो जाइए बाबा। बाबा देखिए ना नीतू जी भी आई है। देखे मनीष बॉल भी आए हैं। तू बार बार सिलेबस क्यों चेंज कर देता है? बात कर रहा है बात कर रहा हूँ ना मैं। क्या बात है अनिल साहब देखिए आजकल के बच्चों को और आजकल के बच्चों देखो अनिल साहब को। आप फिट हैं सर आप। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव यू सर। क्या बात है क्या लगते हैं सर? सर 40 साल से ज्यादा हो गए आपको इंडस्ट्री में है ना सर? प्लीज बैठिए सर। मेरा आपसे एक सवाल था ये कौन सी वाली पापड़ी होती है जो सबसे अच्छी होती है? यही नहीं क्यों पता होगा पापा? अरे बेटा जब उनको झांपड़ी का पता है तो पापड़ी का भी पता ही होगा। मैं तो अनिल साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ तो उनकी फिटनेस देख। मैं देख रहा हूँ। तुझे पता है? नहीं। तुझे पता है जब अनिल साहब पहले माले से 10 माले पे जाते हैं ना इनको एक बूंद पसीना नहीं निकलता। ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे पापा? लिफ्ट से जाते हैं ना। फिटनेस फ्रीक है इसका मतलब ये थोड़ी है हर जगह भागते फिरेंगे है ना सर? कमाल है सर। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। कल ही मैंने आपको पलंग में देखा। पलंग? बाबा पलंग में नहीं आपने मलंग में देखा होगा। अरे मैं पलंग पे लेटा था ना मैं मलंग देख रहा था। वैसे बता रहा हूँ मैंने तो कल मनीष पॉल को भी पलंग में देखा। इनकी कौन सी फिल्म देखी? फिल्म नहीं है मेरे साथ लेटा हुआ था पलंग पे।
आप ये सच कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? मजाक क्यों करूंगा, वो एंकर है ना सर, यही मुझे बता रहा था। अब आने वाले हैं आदित्य रॉय कपूर, तालियां। मैं ताली बजाता था, फिर आपकी एंट्री पे भी क्या ताली बजवाई। खैर लेकिन जो भी है बेटे, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। क्या सफर तय किया है यहाँ तक, क्या काम किया है, क्या टैलेंट है, वो तो है। कमाल की एंकरिंग करता है। हाँ बाबा, और ये एक्टर भी काफी अच्छे हैं। हाँ बेटा, कमाल की एंकरिंग करता है। डांस भी अच्छा, डांस भी काफी अच्छा कर लेते हैं। हाँ बेटा, कमाल की एंकरिंग करता है। यहाँ पर मैं एक्टिंग डांस की बात कर रहा हूँ, आप ये एंकरिंग 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 क्यों किए जा रहे हैं? मैं नहीं, इनको बोल, ये एंकरिंग 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 किए जा रहे हैं। ये अपने बीच का बंदा है यार, क्या बात है, यहाँ तक आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा ये तो आप यहाँ कह रहे हैं, अभी पीछे आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी फिल्म इस मनीष पॉल को कैसे मिल गई। कह रहे थे अभी मुझे क्या, तो पीछे की बातें आगे क्यों कर रहा है? समझ नहीं है तेरे को, छोटी बच्ची हो क्या? क्या बात है यार, क्या ये बकवास कर रहा है मनीष, ऐसी कोई बात नहीं है। तूने इतनी बड़ी फिल्म में काम किया, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू, देख लूंगा। सर पूरा तो सुनिए अनिल सर, देख लूंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लूंगा मैं। क्या बात है, देखिएगा पापा, बाबा वरुण धवन, वरुण धवन बाबा। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा, मेरे को भी पता है वो आए हैं। बेटा एक काम कर, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। बाबा बाबा आप थोड़ी देर वरुण जी से बात कीजिए, मैं थोड़ा कियारा जी से बात कर लेता हूँ। देखिए मैंने कहा ना, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। आप वरुण जी से बात कीजिए ना, मैं थोड़ी देर कियारा जी से बात कर। बेटा मैंने कहा ना, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वाह, ठीक है, क्या बात है, नीतू जी के लिए जोरदार तालियां, वाह। नीतू जी, हम लोगों ने कितना सारा काम किया है साथ में, बर्निंग ट्रेन जी, कमाल की फिल्म थी। लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं, मैंने जब फिल्म थिएटर में देखी, वो जो डैनी नहीं थे, डैनी गोलगप्पा का नाम, हाँ वही, जब मैंने फिल्म थिएटर में देखी तो डैनी जी ने ट्रेन में आग लगाई थी। कमाल की बात है, जब हम शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग पे तो हंसते खेलते थे हमारे साथ, हमारे साथ बैठ के खाना पीना खाते थे, हंसते खेलते थे। जब फिल्म में देखा तो उधर आ गए, विलन लोगों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना। खैर काम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपको रणबीर की शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, बधाइयां जी, बधाइयां। Congratulations. Thank you. एक बात बताइए, आप जो पहली बार आलिया से मिली तो आपने शादी के लिए झट से हाँ कह दी कि भट से हाँ कह दी? कैसी घटिया राइमिंग कर रहा है तू, अच्छी बात करना। ठीक है नीतू जी, मुझे पूछना था कि जब आलिया जी शूटिंग करके घर पे वापस लौटती हैं तो आप उन्हें क्या बोलती हैं, खाना खा लिया कि खाना आ लिया? ये राइमिंग नहीं थी बेटा, राइमिंग नहीं, ये टाइमिंग थी। हाँ खैर गेस्ट से बात करते हैं बेटे, कियारा जी भी बैठी हैं। हाँ कियारा जी से मुझे बात करनी थी, आ जा बेटे यहाँ पे आ जा।
Kiara ji, you look very good. Thank you. This is my son. He's very hard. He's very hard and bought money and bought a house. Now, we are in the search of a such a girl. Who is beautiful, who is sushil, who can take his house on rent. आप रिश्ते की बात करनी थी। हाँ, आपके रिश्ते में भी कोई हो तो भी हम रेंट पे देते। बाबा शादी शादी। हाँ, शादी शुदा भी कोई हो तो उसको भी रेंट पे दे देंगे हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। अपनी शादी की बात मुझसे क्यों कर रहा है? जाके कोई लड़की से करना। बाबा आप क्यारा जी से शादी की बात कीजिए ना। मैं कैसे करूँ इतने बुढ़ापे में शादी की बात? क्या बात? आपकी शादी नहीं बाबा, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी शादी इनसे। तेरी शादी इनसे? हाँ। क्या 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 ढूंढ रहे बाबा? मैं बेटा तेरा दिमाग ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है बहुत हट। खैर आप लोगों को बता दें, हम लोग जा रहे हैं यूएसए के शो के लिए, लेकिन आपकी फिल्म जो है वो बिना देखे नहीं जाएंगे। सब लोग जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। जुग जुग जियो। खैर जाने से पहले मैं एक छोटी सी आइटम पेश करना चाहूँगा। मेरा बेटा और मैं, अभी आप लोग यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, इतने फिट लोग हैं, आज हम आपको जिम मशीन बन के दिखाएंगे। जिम मशीन? I'll just show you my talent now, okay? Just walk. Then the hand goes first. Okay. देखो मनीष जिम मशीन देख। आज मेरा चेस्ट डे है। Today is my chest day. Okay. Let's go. ये वेट थोड़ा सा कम है, लगता है हमें वेट बढ़ाना होगा। Come on, push! Push! पिक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई हो, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। बेस्ट विशेस आप सभी। बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू। सुपर। कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, वो भी नीचे कुछ ना कुछ डालते हैं, हम आपको दिखाते हैं। दिखाइए जरा। वरुण ने ये फोटो डाला है, वो इज प्रिटियर, साथ में सारा अली खान है। तो आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स क्या क्या हैं। एक असली सारा और एक सारा का सारा नकली। इस फोटो के बाद लड़की ही नहीं लड़के भी तुम पर मरेंगे। वो ज्यादा ही डेस्परेट आदमी जिसने कमेंट किया है। आगे दिखाइए। महिला बनकर पुरुषों को लूटने वालों से सावधान, पर्स तो छीनती हैं, वीडियो भी बना लेती हैं। मॉल में जब वैक्सिंग का ऑफर चलता है तो मैं भी लड़की बनके चला जाता हूं। दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए जरा। क्या so हैं? कुत्ते चार्टर में घूम रहे हैं? Awesome. हम पैदल फिल्म सिटी में घूम रहे हैं। वन फॉर द बुक्स, बेस्ट ब्रेकफास्ट डेट एवर वाज पॉसम। बड़ी क्यूट फोटो है यार। क्या रहा? थैंक यू। दिखाइए जरा कमेंट्स पढ़ते हैं। हर कुत्ते के दिन आते हैं। किसी ने रिप्लाई किया, रुक तेरा भी आएगा। कुत्ते उसे टच मत करना, वो मेरी बंदी है, जबलपुर का कबीर सिंह। और दिखाइए। बेकार ही कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है, मुझे तो ये बताओ कुत्ते का जन्म कितनी योनियों के बाद मिलता है।
कितनी अच्छी है कियारा जी, कुत्ते की प्लेट आने का वेट कर रही है. मेरी मेरी बीवी तो मेरा भी वेट नहीं. और दिखाइए. This is what true love looks like. Always proud of you, my tiger. Ranveer Singh, takht, hashtag takht, hashtag takht, hashtag takht. Comments dikhaiye. Anil Kapoor, Ranveer Singh ki energy khichte huye. Achcha hai. Achcha hai yaar. The best one. Achcha hai. Kisi ne likha, khich nahi rahe, energy de rahe hain. Mujhe lagta hai Anil sir, jawline ke liye yahi exercise karte hain. Ranveer photo lene mein reh gaya aur ye uski puppy leke chale gaye. दिना दिन धा. और दिखाइए. Oh God. हाय कितनी प्यारी फोटो है नीतू जी. वाओ रणवीर भी कितना हैंडसम लग रहा है और आप भी कितनी प्यारी लग रही हैं. मेहंदी मस्ती दिखाइए जरा इसके नीचे कमेंट्स. कितनी महंगी फोटो है, इसमें करीना और करिश्मा बैकग्राउंड डांसर्स हैं. रणबीर भी लाइक आजादी का आखिरी दिन है, जमकर नाच लो. रणबीर को घोड़ी पे चढ़ने का इतना शौक है कि बिना घोड़ी के भी लगाम पकड़ के नाच रहा है. और दिखाइए. लव दिस मैन, हैप्पी बर्थडे माय बोल्ड बाल्ड एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड विशाल डडलानी. हाउ मच आई ट्रबल हिम विल कंटिन्यू बिकॉज आई लव इट. हा हा हा, लव यू ब्रदर, कीप स्माइलिंग. अच्छा कमेंट्स दिखाइए नीचे. इतना लड़कियां नहीं लंबा कैप्शन लिखती जितना तूने लिखा मनी. पहला एंकर है जो चांद पे पहुंच गया. विशाल सर का सही है ना, डैंड्रफ की टेंशन ना जुओं की प्रॉब्लम. आगे दिखाइए. मनीष पॉल अपने घर के लिए खाली प्लॉट देखते हुए. और दिखाइए. ये मोस्टली सेन प्राजक्ता आपका है. डे फाइव ऑफ सेल्फ क्वारंटीन. Eavesdropped on your on our downstairs neighbor's phone call fight with Aarti. I think Aarti is quite the. Eh? Mm. अच्छा, you don't know Aarti at all. वो गालियां दे रहा होगा ना. तो जो फोन जिसका सुनाई दे रहा है अच्छा उस हिसाब से. काफी डीप थॉट है. दिखाइए जरा कमेंट्स दिखाइए नीचे. 200 रुपए में सीसीटीवी का काम खुद करते हुए. कुछ लड़कियां ऐसे ही करती हैं, पिज्जा मंगवा के छुप जाती हैं, फिर 31 मिनट बाद फ्री खाती हैं. आगे दिखाइए. मेड ए न्यू फ्रेंड. बड़ी क्यूट पिक्चर है. कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो क्या है? अरे गाजर खिला. गाजर है, गाजर. अच्छा आप कप नजदीक है ना मेरे को. वरुण से इंस्पायर होके खरगोश भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया. भाई मौका मिला है तो पूछ लो ये कछुए से उस दिन क्यों हार गया था. खरगोश के जहां तक हाथ जाते हैं बस वही वही सनस्क्रीन लगा पाता है, बाकी सारा टैन हुआ पड़ा है. और दिखाइए. कियारा अडवाणी, व्हाट ए पिक्चर. बड़ा पिक्चर सर, वाह. कमेंट्स दिखाइए. पिक्चर वही है, पिक्चर. कश्ती को किनारा नहीं कियारा मिल गई. ब्लैक ड्रेस प्लस रेड लिपस्टिक प्लस खुले बाल इज इक्वल टू लौंडे बेहाल. बस एक मास्क की कमी है फिर आप एकदम कृष लगोगी. नर मछलियों को अपनी तरफ आकर्षित करती मादा. और दिखाइए. What's got your attention, me, the car or the shoes? हाय हाय क्या बात है सर, आपका स्वैग अलग ही है. दिखाइए जरा कमेंट्स. पैर स्टेयरिंग के ऊपर, वाह. ड्राइवर भी सोच रहा है मुझे गाड़ी चलाने के लिए रखा है या फोटो खींचने के लिए. ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, पेट्रोल है महंगा, लगवा लो सीएनजी. अनिल सर ऐसे ही हैं, दरवाजा खोलने में जरा सी देरी हुई शीशा तोड़ के निकल जाएंगे. जब जूता नया और गाड़ी पुरानी हो तो आदमी ऐसी हरकत कर लेता है. और दिखाइए. My first flight in these scary times. Nervous for this journey while Kapoor saab. But badi badi. अच्छा ये picture जब शुरू हुई थी उस समय की है. Wow, beautiful picture. दिखाइए नीचे comments. I like that you put a disclaimer about that. Neetu ji सबसे stylish आप लग रही हैं. तभी Anil sir आपके पास खड़े हैं. वरना वो कब के air hostess के पास चले जाते.
और दिखाइए. चार्टर इसीलिए लेट होते हैं, एक्टर पायलट को फोटो खींचने में लगा देते हैं. और दिखाइए. टेक मी बैक हैशटैग एमपी मध्य प्रदेश थ्रो बैक मनीष बॉल. ये खींची किसने है मनीष? His wife. बीवी ने. मेरी बीवी ने. अच्छा अच्छा वेरी गुड. पर तू छुप क्यों रहा है टब के पीछे? दिखाइए जरा कमेंट्स दिखाइए नीचे. जब होटल वाले कहें कि चेकआउट 12 बजे का था और आप 1:45 तक नहा रहे हैं. सर्दियों में नहाने से पहले पानी को 10 मिनट तक ऐसे ही देखते हैं. मनीष सर आप खड़े मत हो जाना, आपकी पॉल खुल जाएगी. इतना मजा आ रहा था. जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो जुग जुग जियो है, इसमें बहुत बोला जा रहा है प्रमोशन में कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है. मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि क्या सच में शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है. आप अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं. जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हेलो एवरीवन. मैं गुजरात से आया हूँ. गुजरात से आए हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. शादी के बाद जो है कि मेरी लाइफ में बदलाव आया है. जी, क्या पहले जो है कि कभी मैं कुछ भी पहन के कहीं पे भी चला जाता, अभी कहीं पे भी जाना रहता है, कहीं पे भी शादियों में. और यहाँ पे भी आया हूँ तो देखो हर जगह पे मैचिंग 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 करके आना है. बीवी ने बोला मैचिंग करने को. एक्चुअली दोनों ने व्हाइट जींस और ब्लू टी शर्ट पहनी है. और अभी भी देखो मैं तो पहले वो अपने पहनती है कि मैंने ये पहना. अब इसी हिसाब से खड़े हो जाइए. अभी खड़े हो जाइए. सेम करके. हां, इनका हार्ट बनता है. आधा दिन मेरे पास है, इनके पास है. इनका हार्ट एक्चुअली है. ओ, इट बिकम्स हार्ट वाले. ये भी इनके पास है. तो दोनों जुड़ के चलते हो आपस में. और ऐसे दो चार और लाके रख दिए. अभी हर जगह मैचिंग. तो खाली यही बदलाव आया कि उनकी मर्जी के कपड़े पहन रहे हैं आप. हाँ, यही है. आप पहले हैं कि पहले मैं कुछ भी पहन के चला जाता. क्या आप पेटीकोट पहन के चले जाते हैं? अच्छा, अपनी पसंद का. चलिए यार, आपकी उम्र बड़ी कम लग रही है. आप कितने साल के हो? 23. ऑलरेडी मैरिड. बड़ी आग लगी थी तुम्हें शादी करने की. मैडम को माइक दो जरा. मैडम, आप ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं आप? हाँ. अपनी मर्जी से कपड़े पहनाती हैं? हाँ, सही. क्यों ऐसा क्यों करती हैं आप? ऐसे लगना चाहिए कपल है. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए. आप दोनों बड़े प्यारे हैं. गुजरात से आए हैं आप. बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए. शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम, आपसे तो हम जरूर जानना चाहेंगे. नमस्कार जी. थैंक यू. मेरा नाम रश्मि कोठारी है. अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी. मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ. बेटे के बारे में? हाँ, मेरा लड़का है दो, उनके बारे में बताना चाहती हूँ. अच्छा जी. लड़का है ना, थोड़ा शाही है, ज्यादा बात नहीं करता है सबके साथ. अच्छा जी. लेकिन क्या मालूम क्या हो गया, शादी के बाद तो इतना पटर 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 करने लगा ना, समझ में नहीं आता है. ऐसा क्यों? पर आजकल की लड़की लोग आती है, क्या सिखाती है क्या पता. उसके साथ तो बहुत बोलने लगा. मेरे साथ तो ऐसा कभी पटर पटर नहीं करता है. उसके पिताजी शांत थे कि बोल, आपके हस्बैंड भी आए साथ में? नहीं, हस्बैंड मेरी बहू को लेके आई. बेटे को छोड़ दिया मैंने. हस्बैंड को भी छोड़ दिया. किसने? मैंने. अरे, घर पे रख के आई. मैं मैडम आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पति पति हैं या पार्टी हैं जिन्हें घर पे रखे? नहीं, पति है. हर वक्त घर में घंटी लेके नहीं घूमना चाहिए. हर बार वो मेरे साथ में होते. देखो, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. हाँ, बोलिए बोलिए. जब आप नई नई ब्याह के आती हैं, बहू बनती हैं, आप कहती हैं मेरा पति मेरी सुने. जब आप सास बन जाती हैं, तब भी आप यही कहती मेरा बेटा मेरी सुने? नहीं, मेरा पति मेरा सुनता ही नहीं था. बात ही खत्म हो गई. हमारा वो जमाना ही नहीं था. वो अपनी मम्मी की ही सुनता था. बहुरानी, आपसे हम बात करना चाहेंगे. आपकी सास तो इतनी प्यारी बातें करती हैं, ये क्या आप खाली उसको इतना बताओ कि मेरे लड़के को क्या खिलाया उसने. बहुरानी, क्या किया आपने लक्की का? बोली जा रहा है. कुछ नहीं, प्रेम की बातें थी सारी. माँ भी तो प्रेम करती है ना, कितना प्रेम करती है बच्चों से. मैं भी तो बहुत करती. नहीं, माँ बच्चों से तो प्रेम करती. पहले माँ ने बाप के साथ प्रेम किया, बच्चे हुए. पर अभी बाद में करना चाहिए ना. जी जी. रश्मि जी, आप बड़ी प्यारी बातें करती हैं. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. आप सबको थैंक यू. शुक्रिया शुक्रिया.
अरे ये तो चूड़ा पहन के बैठी हुई है. नहीं नहीं शादी है. अब माइक लो. ये आपने तो ये शादी वाला ही होता है ना चूड़ा पहनते. कपिल सर नमस्कार. एवरीवन हेलो. मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है. मैं दिल्ली से आया हूँ. बहुत बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब. ये आपकी खुद की पत्नी है ना. आज मेरी खुद की पत्नी है. तो नई नई शादी हुई आपकी. नहीं सर 15 साल से ऊपर हो गए. वो तब से पर उन्होंने तो वो पहना हुआ है. वो वैसे ही पहना ही होगी. क्या कह रहे थे आप पति पत्नी के रिश्ते के बारे में. दिल्ली में 24 वाइन शॉप्स हैं. 24 वाइन शॉप्स हैं. आपकी माइक माइक थोड़ा नजदीक ले आइए जरा. देखा 24 जैसे बताया मेरी वाइन शॉप है. कितनी केयर कर रहे हैं आप माइक. अच्छा जी आज तक मैंने एक घूट भी दारू नहीं पी है. क्या बात है. अच्छा जी हाँ. लेकिन फिर भी मेरी वाइफ शक करती है मेरे ऊपर. ओह गॉड. शक किस बात का करती है. आप पीते हो या इस तरीके से. एक सर हमारी लड़ाई थोड़ी अलग ही साहब की. ये दिल्ली पुलिस में है. अच्छा ओहो. दिल्ली पुलिस. एक दिल्ली पुलिस. आपको तो भगवान बचाए भाई साहब. एक तो पत्नी ऊपर से पुलिस में. लिटालो मैडम जी फड़ाक. अच्छा मैं दारू नहीं पीता. इसको इस बात की खुशी नहीं है पर मैं पकड़ा नहीं जा रहा. इस बात का दुख है. वाह भारद्वाज साहब छा गए. आप सिक्सर मार दिया आपने. देखो सर हमारे जो मेहमान आते हैं बचपन आ जाता है कुछ देर के लिए इनके शो में आके. पर बड़े सब अच्छे परिवारों से आते हैं. लेकिन हंसी मजाक मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ. ऐसा इनका कोई झगड़ा नहीं है. मजे ले रहे हैं यहाँ पे. एक प्रॉब्लम हो रहा है सर मुझे. हाँ जी सर. कहीं घूमने जाते हैं ना. हाँ जी. तो चे यूज की चीज है चे नहीं उस बैग को इतना भर लेते हैं ताकि ये उठाए. देखिए आपका तो एक ही निवारण है. या तो देश ही छोड़ दो आप. अदरवाइज तो फिर अभी पुलिस के हाथ से कहाँ बचे. देश छोड़ने की बात हुई थी कह रही थी. मैं अभी साथ चलूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब. बड़े मजेदार आदमी आप. धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त. जी नमस्कार सर. यार बड़ा नमस्कार. नमस्कार जी. जी मेरा नाम श्याम सुंदर लाल का है. मैं दिल से आपको बहुत चाहता हूँ. लव यू सर. थैंक यू सो मच. मैं दिल से आपके लिए दो पंक्तियाँ लिखी है. अच्छा आपको सुनाना चाहता हूँ. प्लीज सर. कौन कहता है आप कपिल जी है. कौन कहता है आप कपिल जी है. मैं मनोहर लाल. अच्छा जी प्लीज. सॉरी सॉरी. कौन कहता है आप कपिल जी हैं. कौन कहता है आप शर्मा जी हैं. दोस्तों आंख खोल कर देखो ये तो कपिल शो के शर्मा ब्रह्मा जी है. थैंक यू. थैंक यू. शुक्रिया शुक्रिया सर. कहाँ से आए हैं आप सर. गोकुल धाम बम्बई से. अच्छा जी. बहुत 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 धन्यवाद सर शो में आने के लिए. बहुत धन्यवाद. शुक्रिया सर. सो स्वीट. नए नए कपड़े पहन के क्यों आ गए यहाँ पे. लोगों को पता चले नॉर्मली भी अच्छे लगते हैं हम लोग. मतलब कैसे आना हुआ. अरे सीजन का फाइनल एपिसोड है कपूर तो पूरी टीम आई है सबको थैंक यू बोलने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. मैं भी अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ये लोग कहाँ हैं. ये फैंस कहाँ हैं. जो सामने और बकरियां बांधी हुई हैं. फैंस ही हैं. एक सेकंड अगर इसके फैंस हो सकते तो मेरे तो डेफिनेटली होंगे गाइस. थैंक यू. मतलब ये सीजन आप लोगों ने इतना प्यार दिया है. इतना प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. ए झूठ बोल रही है ऐसे सर. कोई नहीं सर. 70% एपिसोड में तो तुम थी नहीं. बहुत प्यार दिया है जी. बहुत प्यार दिया है. लेकिन एक बात है सर. शी इज वेरी सपोर्टिव. हाँ नहीं ये नहीं ये बात तो है. मैंने भी देखा शी इज वेरी सपोर्टिव. मतलब अगर चंदन सर रिहर्सल करते करते अगर सो जाता है ये लड़की वैनिटी में जाके सर ये भी सो जाती है. दे आर मेड फॉर ईच अदर. तुम लोग 9 साल से एक साथ शो कर रहे हो तो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन. लेट्स स्टार्ट विद द लेडीज. हाँ मैं बताता हूँ. सॉरी हो जाता है. ओरिजिनल लेडी. नहीं बट सबको पता है मैंने करियर की शुरुआत की थी डेली सोप से. 2011-12 कपिल की पार्टनर बनी कॉमेडी सर्कस में. टुडे इज 2022. कपिल थैंक यू वेरी मच. क्योंकि जब शुरुआत की थी तब
कॉमेडी का आइडिया नहीं था, तो जो कुछ भी सीखा है तुमसे सीखा है। बोल रही, मेरे पे इल्जाम मत लगा, मैंने कुछ नहीं सीखा। जो भी है दर्शकों इसका खुद का, हमारा नहीं है। हम अपना अकेले रहते हैं, ये अलग है। ओके गाइज, एक्चुअली हमें ये पूछना है, जैसे जुग जुग जियो में ये हमारी फैमिली है और एक पिक्चर बनाते हैं या फैमिली में झगड़े हंसी मजाक सब होता है, पर जब भी कुछ मुश्किलात आई होगी सीजन में ये 9 साल में, तो हु इज द फर्स्ट पर्सन आप में से जो मेकअप कराता है सबका? हम आपकी फिल्म में आके बीच में बोलते हैं। कोई तो होगा। मेरे को अंदर की बात नहीं जानता है। इसलिए इसमें कहना चाहूँगा वरुण, क्योंकि कपिल शर्मा शो बहुत सालों से चल रहा है, मैंने 2018 में ज्वाइन किया सर, जब मैं नया नया आया अर्चना जी, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 10-15 एपिसोड ही हो पाएंगे सुमोना के। लेकिन जब इसने 20-25 किए तो मैंने कहा मेरे तो 250 बनते हैं। तुम शुरू करो, तुम बताओ कि तुमने कॉमेडी कैसे की, कब से शुरू? तू कर दी शुरू। यार शो बताया नहीं किसी को। शो खत्म होने पे आया, तुम अभी भी नॉन सीरियस हो। चल ठीक है, प्लीज। खैर, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने देश में रहने दिया। तुम बोल लो यार, मैं बाहर जाके बोल लेता हूँ, प्लीज। कीकू भाई, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताइए। हाँ, मैं सबसे पहले शो की असली लड़की के बारे में कहना चाहूंगा, तो सुमोना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम्हारी रिस्पेक्ट हमेशा ड्यू ही रह जाती है, मिलती नहीं है। चलो भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने जब पहली बार सुमोना से मैं मिला था, मुझे लगा ये छोटी सी प्यारी सी फ्रेजाइल सी इतनी सी लड़की इतने बड़े स्टेज पे इतनी बड़ी ऑडियंस लाखों करोड़ों लोगों को एंगेज कर पाएगी, लेकिन सुमोना, मैंने इस सीजन के आखिरी 4-5 एपिसोड देखे हैं, आई मस्ट से कि तुम ट्राई भी नहीं करती। कृष्णा भाई के बारे में बोलना चाहूंगा, लेकिन पहले तो इससे ज्यादा मेहनती आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा भाई। क्या बात है। लेकिन इसमें होता क्या है, इनको जैसे ही अपनी स्क्रिप्ट मिल जाती है ना, एक तैयार पूरा ढांचा तैयार हो जाता है स्क्रिप्ट का, ये आदमी इतनी रिहर्सल करते हैं एक एक बंदे को पकड़ के अपनी पूरी स्क्रिप्ट सुनाते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं। मैं भी अगर पीछे मिल गया इन्हें तो पूरी अपनी स्क्रिप्ट मुझे सुनाएंगे, भाई आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन हमें भी अपना काम करना होता है, घर से रिहर्स करके आओ यार। लेकिन कृष्णा भाई, हाँ जी, जो भी है, हाँ, आपको सल्यूट है, क्योंकि डांस के साथ जैसी आपकी एंट्री होती है, डांस के साथ आपकी एग्जिट होती है, कमाल। थैंक यू भाई। लेकिन आप बंद कर दो, बहुत हो गया डांस यार, आप तो हमें सारे स्टेप याद हो गए हैं, ऐसे ही होता ना आपका, ये बहुत हो गया। एक टाइम था जब मैं आपके डांस का फैन था, लेकिन जब मैंने गोविंदा जी के डांस देखा तब मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा इधर तो सिर्फ ब्रेड बनती है, आटा तो कहीं और से आ रहा है। अच्छा वो एक मिनट, चंदन आपने स्टेप किया था, कौन सा था मेरा वाला? वाह, कॉमेडी के साथ साथ डांस की भी टाइमिंग खराब है। करो एक दूसरे की बेइज्जती का, आई एम एंजॉयिंग। एक एक एंट्री करके निकल जाते, करो आज काम। अर्चना जी, आई लव यू अर्चना जी। थैंक यू। लेकिन अर्चना जी, आपको याद है जब हमने ये वाला सीजन शुरू किया था, शूटिंग का पहला दिन था, तो मैं सबसे पहले जब शूटिंग पर आया, मतलब मैं 3-4 घंटे शूट से पहले आ गया था, सबसे पहले दौड़ के मैं आपकी वैनिटी में आया, आपने मेकअप भी नहीं किया था, और मैंने आपसे कहा दादा जैसे ही अर्चना जी आए उनसे कहिएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? But seriously, I want to ask you guys, आप लोग मतलब हमारे बॉलीवुड के इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सामने you know, you perform, तो कुछ nervousness, you know, do you feel any like nervousness? तो नहीं, थोड़ी सी एंजाइटी होती है, क्योंकि हम लोग इतना रिहर्सल करते हैं, कभी ऐसा होता है ना अनिल सर के एक जोक सुनाया गेस्ट नहीं हंसे, दूसरा जोक सुनाया गेस्ट नहीं हंसे, तीसरा जोक सुनाया गेस्ट नहीं हंसे, तो हमें पता चल जाता हमारा जोक अच्छा है। हमारा जोक अच्छा है, गेस्ट थोड़े सीरियस टाइप के हैं और कुछ नहीं। खैर अनिल सर, नीतू मैम, नीड योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि इसके बाद मैं अपने यूएस और कनाडा लाइव शो। तेरा कौन सा टूर है अभी बाहर? कौन सा, इसका कौन सा टूर है यार, जिसमें आप लोग भी जा रहे हो? हम तुझे लेके जा रहे हैं तो एक ही बात है,
कट्ठे जा रहे हैं। तुझे तो कोई बेस्ट विशेस नहीं देता, तुझे शो किसने दे दिया? हम मेरा शो है, बाकी हम तो चलो यूएस जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है अर्चना जी यहीं पर रहे। मेरा शो आ रहा है। हम जा रहे हैं इसलिए आपका आ रहा है, हम रुक जाए बता। ठीक है। पर जोक्स अपार्ट, अर्चना जी वी लव यू। हम लोग हमेशा ही, आपने सुना होगा कभी मैं चंदन पे कोई पंच मारा या सुमोना पे, कृष्णा पे, किकू भाई पे, अर्चना, हम सब एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं। पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा, हम लोगों ने ये शो 3 महीने के लिए बनाया था, कब 9 साल हो गए हमें भी नहीं पता चला, और आप लोग ऐसे प्यार देते रहे तो हमें भी नहीं पता ये कब तक चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार जुग जुग जियो की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन कियारा, वरुण, नीतू मैम, प्राजक्ता, अनिल सर, मनीष, हमेशा ही मजा आता है जब भी आप आते हो, और ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए भी, आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दोस्तों ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, लेकिन सफर कांत नहीं है, जल्दी अगला सीजन लेके आएंगे। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जितना हम कहें उतना कम है, और हमेशा इतना प्यार देते हैं आप लोग, हम सबको अपने घर का सदस्य मानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, और दूसरों को भी हंसाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.